हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। तो फ्रेंड्स, आज हम ये रोज प्लांट को ये अक्टूबर नवंबर में कैसे केयर करना है और उसका कैसे फर्टिलाइज हम करेंगे वो वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसके लिए अभी से ये रोज प्लांट को रेडी करना है और फर्टिलाइजर भी रेडी करना है। तो चलिए, हम क्या क्या फर्टिलाइजर इसमें यूज़ करेंगे। हम पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, हम केमिकल कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं विंटर में ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, रोज प्लांट के लिए जो फर्टिलाइजर हम यूज़ करेंगे ये पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। यहीं पर हम किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट लिया, तो किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट हम लगभग ये 50% यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो हॉर्न डस्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हॉर्न डस्ट, ये हम 10% यूज़ करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोन डस्ट, ये बोन डस्ट भी हम 10% यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये सरसों का खोल, मस्टर्ड केक, और ये भी हम 30% यूज करेंगे। तो अभी ये थोड़ा कम या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है, ये ऑर्गेनिक है। तो इसलिए अभी हम ये 6 से 7 डेज हम ये मिक्स करके रख देंगे। देखिए ऐसे करके मिक्स करेंगे। अभी जल्दी जल्दी ये प्लांट में दीजिएगा तो प्लांट खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बोन डस्ट है, ये मस्टर्ड केक है, मस्टर्ड केक बहुत गर्म होता है तो प्लांट के लिए उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा थोड़ा देने से कुछ नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हम मिक्स कर लिया और अभी हम एक जगह में रख देंगे, एक जगह में रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम थोड़ा इसमें पानी डाल के रख देंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी मेरा ये फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा। देखिए, पानी देके हम भिगो के रख देंगे और ये कुछ कवर करके रखेंगे तो ये जल्दी जल्दी रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम एक दिए के कवर कर देंगे और 3-4 दिन बाद फिर हम ये थोड़ा ये कर दें, मिक्स कर देंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा रोज प्लांट का जो फर्टिलाइजर, ये देखिए 3 दिन हो गया, इसको हम पानी दे के रख दिया। तो 3 दिन के बाद थोड़ा हम ऐसे करके दे रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो गैस बन गया वो पूरा बाहर आ जाएगा। अभी फिर और 2-3 दिन ऐसे ढक के रख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा रोज प्लांट है, तो ये रोज प्लांट का अभी 2-3 दिन इसका रूट में धूप देना चाहिए, ओश में लगना चाहिए। तो उससे क्या होता, रोज का ज़्यादा फ्लावरिंग होता है। तो इसलिए हम थोड़ा मिट्टी इसका रूट से हटाएंगे ऐसा करके। 2-3 दिन हम इसमें पानी भी नहीं डालेंगे,
फिर उसके बाद इसके हम अटलाई जा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो रूट सब निकल आया। ऐसा करके तो फ्रेंड्स देखिए, इसका पूरा रूट सब निकल आ गया और ऐसे हम छोड़ देंगे। फ्रेंड्स इससे ज्यादा मत रूट बाहर नहीं आना चाहिए। बस हो गया, ऐसे हम छोड़ देंगे दो दिन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा रोज प्लांट है, ये दो तीन दिन देखिए इसको पानी नहीं दिया तो देखिए ये थोड़ा सूख गया। तो देखिए इसका रूट भी देखिए अभी तक खुला है और ये पूरा मिट्टी सूख गया। फ्रेंड्स देखिए एकदम सूख गया। तो ऐसा होना चाहिए दो तीन दिन, और गार्डन में होगा तो चार पांच दिन ऐसे रख सकते हैं। तो ऐसे रख दिया और ये सूख भी गया। अभी इसको हम फर्टिलाइजर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो रोज प्लांट के लिए जो हम फर्टिलाइजर रख दिया तो ये सात दिन हो गया और ये एकदम रेडी हो गया। अभी यही फर्टिलाइजर हम यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम फर्टिलाइजर डालेंगे। अभी थोड़ा ये हो गया, अभी इसका सॉइल देना पड़ेगा। तो अभी हम सॉइल देंगे। तो ये मेरा थोड़ा किचन वेस्ट कंपोस्ट और ऐसे गार्डन सॉइल मिला हुआ है, तो यही मिट्टी हम देंगे। इसके ऊपर से तो मिट्टी ऐसे हम लोग ले लिया, तो इसको तो मिट्टी चाहिए। बस हो गया, अभी इसमें हम पानी डालेंगे। फिर दो या तीन दिन बाद इसको हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी घास ऐसे भी कमजोर हो गया। दो तीन दिन पानी नहीं मिला, खाद नहीं मिला, तो फिर हम दो तीन दिन बाद इसको हार्ड प्रूनिंग करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा रोज़ प्लांट देखिए, एक सप्ताह हो गया, 7 दिन हो गया इसको फर्टिलाइजर हम डाला। तो अभी इसको हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका प्रूनिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको काटना है, हम बहुत छोटा छोटा करके काट देंगे। तो ये देखिए, ऐसे एंगल में काटना चाहिए। पूरा काट देंगे। पूरा काट दिया। तो अभी यहीं से फंगस अटैक हो सकता है, तो इसलिए हम यहीं पर फंगीसाइड देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर साफ पाउडर लिया। तो साफ पाउडर देके हम यहीं पर डालेंगे। थोड़ा सा पानी देंगे, हो जाएगा। थोड़ा सा पानी से ऐसे करके देखिए, से जहां जहां काटा वहीं पर डालेंगे। बस हो गया। और जो प्लांट है वो ये, इसका भी हम काटेंगे। अभी ये पूरा नया ब्रांच आ जाएगा, इसमें भी हम लिक्विड फंगीसाइड देंगे। बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा रोज प्लांट आज 10-12 दिन हो गया, हम हार्ड प्रूनिंग कर दिया। और देखिए इसका ब्रांच देखिए, कितना अच्छा ब्रांच आया देखिए फ्रेंड्स। तो अभी ये मेरा टेरेस पे था, अभी गार्डन में लाया। तो यहीं पर ज़्यादा धूप नहीं है, तो फिर भी आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग भी ऐसा करके हार्ड प्रूनिंग कीजिए, ऐसा फर्टिलाइजर दीजिए, तो आपका रोज़ प्लांट में बहुत बड़ा बड़ा रोज होगा। और सब हम दिखाते हैं फ्रेंड्स, कैसा हार्ड प्रूनिंग कर दिया देखिए। देखिए पूरा सब ब्रांच आ रहा है, और यही ब्रांच से आपका अच्छा फ्लावर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हर ब्रांच में इसका ब्रांच आ रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा करके कीजिए। देखिए बहुत अच्छा ब्रांच आया। तो देखिए, हर रोज प्लांट हम प्रूनिंग कर दिया, हार्ड प्रूनिंग कर दिया, और ये फंगीसाइड भी डाला। तो आप लोग भी ऐसा करके कीजिए।